हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स देखने के लिए मैंने ये एक टेबल बना दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट कॉलम पर लिखा है ब्लड ग्रुप, सेकंड में एंटीजन्स, थर्ड में एंटीबॉडी एंड फोर्थ में डोनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन भी ए ही होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन भी ए ही होगा। एंटीजन कहाँ होता है? आरबीसी पर, ऑन आर बी सीज। आप देखते हैं एंटीबॉडी। अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होगी, यानी कि अपोजिट बी। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? इन प्लाज्मा। गॉट इट। आप देखते हैं डोनर ग्रुप। तो डोनर उसको कौन कौन, मतलब कौन कौन है जो ए वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो बता दूं, ए वाले को सिर्फ ए ही डोनेट कर सकता है या फिर ओ डोनेट कर सकता है। इतना समझ आ गया। अब सेकंड पे चलूं। अब देखो ब्लड ग्रुप जिसके पास होगा बी, तो उसके पास एंटीजन भी होगा आरबीसी पर बी ही, बट एंटीबॉडी होगी ए। और उसके पास जो डोनर होगा वो होगा बी एंड ओ। ये दो पॉइंट समझ आ गए। अब देखते हैं थर्ड वन। अगर किसी का ब्लड ग्रुप होने वाला है ए बी, ए बी, तो उसके पास एंटीजन होगा ए और बी दोनों, और उसके पास एंटीबॉडी होगी ही नहीं, निल। और उसको जो डोनेट कर सकता है वो चारों कर सकते हैं, यानी कि ए बी, बी बी, ओ बी और ए बी बी। समझ आया? अब देखो, इसलिए ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट भी बोला जाता है। अब बोल देखते हैं ओ वाले को। ओ वाले में जो एंटीजन होगा उसमें होगा ही नहीं एंटीजन, इसलिए उसका नाम ओ रखा गया है, यानी कि जीरो। तो इसलिए उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। अब देखते हैं उसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगी। अब देखते हैं उसके पास, उसे कौन कौन डोनेट कर सकता है? ओ। तो आपने क्या बात समझी? इसमें से ओ चारों में आ रहा है, यानी कि ए वाले में भी ओ दे सकता है, बी वाले में भी, ए बी में भी और ओ में भी। तो जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है।